मैंने कांग्रेस को चुनौती दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेहरू जी की मेहरबानी है कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये क्रेडिट लेने के लिए ऐसी ऐसी चीजें खोज के ले आते हैं। तब मैंने उनको चुनौती दी थी कि उन्होंने अगर इतनी उदार परंपरा उन्होंने प्रस्थापित की है, इतने उदात्त लोकतांत्रिक मूल्यों से वो समर्पित है, तो मैंने कहा था कि 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को जरा कांग्रेस अध्यक्ष बना करके देखें, प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके देखें। तो उनके एक राजदरबारी जो लोग होते हैं, वैसे एक उनके राजदरबारी राग दरबारी लेकर के मैदान में आ गए और उन्होंने खाका खोल दिया कि ये बने थे, ये बने थे, ये बने थे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल सीधा सीधा है, 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके देख लीजिए। देश को पता है सीताराम केसरी दलित पीड़ित शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से निकाल करके उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बिठा दिया गया था। ये इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है। आप मुझे बताइए भाइयों, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगर वो अध्यक्ष बन भी गया और उनकी मजबूरी में बना था, उसको भी वो 2 साल जेल नहीं पाए, स्वीकार नहीं कर पाए। अरे सम्मान की तो बात जाने दीजिए, वो कैसे 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं भाइयों। लेकिन झूठ बोलना, सही सवालों के जवाब नहीं देना, उल्टी फुल्टी बातें कर करके चीजें गुमराह करना, और उनके राग दरबारी लोग भी उनको कभी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि नमक भी तो कभी कभी खाया होता है।